वेलकम बैक एवरीवन टू ब्लॉग बर्ड्स। आप सभी को गुड मॉर्निंग। सुबह हो गया है और हमने ब्रश भी नहीं किया है, सीधा आ गए हैं छत पे। और अभी सुबह आने का रीज़न ये है ना कि हमें कपड़ा उपड़ा सुखाना है, क्योंकि कल जो कपड़ा पहन के आए थे वो कपड़ा बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है। और भी कुछ कुछ है, जैसे पहले से पिलो कवर जो था ना यहाँ पे लगा हुआ, तो वो भी पूरा गंदा हो गया है, तो वो सब भी धोना है। इसीलिए हम लोग सोच रहे थे कि सुखाएं कैसे करके, तो फिर हमने रस्सी खोजना शुरू किया। तो ये देखिए, हमें ये वाला एक रस्सी मिला है। ये रस्सी वैसे सड़ा नहीं है, ये हमने चेक कर लिया, मजबूत है, तो इसी को टांग देंगे तो बढ़िया रहेगा, इसमें फिर कपड़ा सुखाने में बन जाएगा। ये पता नहीं क्या वहाँ पे कर रही है। और ये देखिए, ये सीम का है ना पेड़? अच्छा, ये नेनुआ का पेड़ है, उस तरफ में सीम का है। अरे वाह, ये देखिए नेनुआ फला भी है, और वो वाला शायद सीम का पेड़ है। वो वाला यहाँ पे एक बांधना है, यहाँ पे या फिर इस तरफ में बांधना है, वहाँ पे। ठीक है, एक तरफ तो उधर लग गया, और दूसरा वाला छोर डायरेक्ट होगा ना इधर से? ना, वो तो पहुँचेगा ही नहीं, ला पाएंगे उस रूम में। और एक है, ठीक है मैं देखता हूँ। ना 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 ना, उसी रूम में जो जिस रूम में जो मिला ना, हाँ उसी रूम में है। एक और है ना? ठीक है, एक और नहीं, दो तीन और है। ठीक है ठीक है, मैं लेके आता हूँ। एक तो देखिए सड़ा हुआ है, ये भी वही है ना, सड़ गया, पूरा काला हो गया। चलिए चल के देखते हैं और रस्सी, वरना तो काम नहीं बनेगा अपना। इस तरफ में हमें ढूंढना है रस्सी। हाँ, वो रहा काफी है, ये एक ही काफी रहेगा आई थिंक। सुनो ना, मैं ये वाला लेके आया हूँ, हो जाएगा? और भी एक था लेकिन मैं नहीं लाया। होगा ना? ठीक है। पिछले बारी जब मैं आया था ना, तो ये जो पिंक वाला घर दिख रहा है ना, ये उस टाइम पे ढलाई हो रहा था, और ये वाला घर तो बिल्कुल भी हुआ नहीं था, ये जो ठीक बगल वाला। और ये आंटी लोग का घर, ये तो दो तल्ला हुआ ही नहीं था, एक ही तल्ले का था। और यहाँ पे ऐसा था ना कि आप एक छत से दूसरे छत जा सकते थे, लेकिन अभी इनका दो तल्ला हो गया है, बहुत पहले ही हो गया होगा, अब तो कलर भी हो गया। हाँ वहीं पे लगेगा ना, एक एक यहाँ पे लगाना पड़ेगा हम लोगों को, यहाँ पे एक एक इस तरफ में भी लगाना होगा, इस तरफ में भी। डायरेक्ट वहाँ से लेके एकदम वहाँ तक नहीं होगा। ये देखिए, वहाँ से आया है, यहाँ पे हमने एक बार इसको घुमाया, एक बार यहाँ पे घुमाना पड़ेगा बस, और एक बार इस तरफ में। ये देखिए, अब ये वाला आखिरी लग जाने से देखिए कितना लंबा रस्सी हो गया, पूरा वहाँ से लेके यहाँ तक। ये लेकिन डायरेक्ट लगाने से नहीं होता। अरे उस पर उठो मत, नहीं गिरोगी ना, पैर वैर टूट जाएगा। रुकिए ना, हालांकि ये रस्सी का स्ट्रेंथ ठीक ठाक आ गया है, कपड़ा उपड़ा अच्छे से सुखाया जा पाएगा इसमें, क्योंकि यहाँ यहाँ से बांध बूंद के फिर लास्ट तक बांधा गया ना, इसलिए बढ़िया है। टंकी में एक दफ़ा देख लेता हूँ पानी कितना। अरे कर क्या रही हो तुम? अरे वहाँ पे स्लिप कर सकता है, मत उठो। क्या देखना है? नहीं 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 नहीं, उठो मत, आ जा। ईटा स्लिप किया ना, एक तो काई लगा हुआ है, मुश्किल हो जाएगा। चलो आओ आओ, तब तक देखते हैं टंकी में कितना पानी है। हालांकि कल रात ही भरे, कितना ही यूज हुआ होगा, लेकिन फिर भी हटाना तो जरा। अरे वाह, पानी पूरा भरा ही हुआ है, ये भी हो गया है, बैठ भी गया है। हाँ, गंदगी पूरा बैठ गया, एकदम साफ है पानी। ठीक है, बंद कर दो। यस, अब लग गया। ये देखिए, इस तरफ भी एक नल है, मतलब डायरेक्ट पानी पीने के लिए हम लोग यहाँ से भी ले सकते हैं, और वरना नीचे में भी है, वो उस तरफ में भी है। एक्चुअली बहुत टाइम से कोई था नहीं ना, तो साफ सुथरा है नहीं, तो इसलिए इधर नहीं जाके इधर ही से ले लेंगे पीने का पानी, इस वाले नल से। हम लोगों ने तो कल को इसी वाले नल से लिया था पानी, वो नहाने के लिए, क्योंकि टंकी का पानी पूरा काई काई वाला आ रहा था, इसलिए हमने यहीं से लिया नहाने के लिए पानी, और पीने का तो हमने व्यवस्था कर लिया है। वैसे मैंने आपको सब चीज़ बताया, लेकिन मैंने टाइम का नहीं बताया कि अभी कितना बज रहा है। ये देखिए, अभी हो रहा है 7:56। अच्छा, आज नाश्ता में क्या बनाओगी? रोटी या कुछ बनाऊंगी, सूजी उजी तो लाए नहीं है ना। अच्छा, तो उपमा सांभर बनाती, सांभर मसाला ये सब लाने से। कोई बात नहीं है, तब रोटी और कुछ सूखा सूखा सब्जी बना लेना ना। क्या? लौकी है। लौकी? हाँ, लौकी का सीजा खाएंगे। ठीक है, रोटी और लौकी का सीजा बना दो, वो वाला खा लेंगे, ले जाएंगे। आलू भुजिया बना देती हूँ तो। हाँ, आलू भुजिया या जो कैप्सिकम, हाँ आलू कैप्सिकम का सब्जी, वो वाला हम लोग लेके जाएंगे। लेके जाएंगे, अब आप सोच रहे हो कहाँ? अरे वही, आपको हमने कहा तो था कि यहाँ पे बहुत सारा जगह आपको घुमाएंगे, तो फिलहाल फ्रेश फ्रेश हो लेते हैं, इसके बाद फिर नाश्ता वास्ता करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे।
अभी ये देखिए हम लोग नहा धो के फ्रेश हो गए हैं और मैं फिलहाल आ गया हूँ किचन ये देखने के लिए कि क्या पक रहा है आज। तो सरकार दोनों तरफ का बर्नर तो ऑन है लेकिन बन क्या रहा है? एक तरफ में लौकी का सीजा चढ़ाई हूँ। अच्छा, और एक तरफ में आलू चढ़ाई हूँ, आलू कैप्सिकम का सब्जी बनाऊंगी। अच्छा, और फिर आटा सान के रखी हूँ, रोटी बनाऊंगी। अच्छा, इधर कैप्सिकम और प्याज काट रही हो? ये तो लौकी का सब्जी, ये अभी नाश्ता के लिए है ना? नाश्ता के लिए होगा। ठीक है, और उसमें क्या है? उसमें आलू चढ़ाई हूँ। आलू, अच्छा उसी में ही जाएगा? हाँ। ये दोनों ना? मतलब ये वाला लेके जाने के लिए ना? जब से मुझे वो गैस का प्रॉब्लम हुआ है ना, हालांकि अभी पूरा ठीक हूँ, तो इसके बाद भी मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। हम लोग चाहें तो बाहर का खा सकते हैं लेकिन बाहर का खाना कहीं से भी सेफ नहीं होगा, इसलिए घर का पका हुआ खाना ये बेस्ट है और इससे बचत भी होगी पैसे की। नहीं, मैं जल्दी जल्दी इसलिए भी बना रही हूँ क्योंकि शरबत तो नहीं, चीनी नहीं लाई हूँ। अरे कोई बात नहीं है, अभी चीनी उनी लाने की जरूरत नहीं ना। ठीक है, शरबत नहीं पीऊंगा अभी कुछ टाइम। लेकिन घर जाकर बना हुआ है ना, इसीलिए। तो ठीक है, तो आज थोड़ा चीनी लेके आ जाएंगे, आधा किलो जैसा। बस हो जाएगा काम। ये वाला तो एकदम धार नहीं था, उसको थोड़ा मैं धार की। हाँ, एक्चुअली बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ था ना, तो इसलिए इन्होंने धार किया इस चिलोरी को। नहीं तो क्या, एकदम काल को काल। इस पे तो रस्ट लग भी गया है, दिख रहा है वो तो। ठीक है, तुम नाश्ता वगैरह बनाओ। ये देखिए आ गया मेरा नाश्ता और ये और ज्यादा आटा गूंथ रही है क्योंकि हम लोग अभी निकलेंगे ना शूट पे, तो सब्जी तो बन गया है मगर रोटी नहीं बना है, तो ये वाला उस चीज का रोटी का तैयारी हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ना गर्मी है ना ठंडा, इतना मस्त। हाँ, मौसम बड़ा जबरदस्त है। खैर, अब मैं कर लेता हूँ अपना नाश्ता। अब देखिए उस टाइम पे जो हमने रस्सी टांगा था ये वाला, अब इसका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि कपड़ा बहुत सारा धुला है, ये सारे कपड़े को अब इधर सुखाएंगे। ये देखिए अब हमने सारा कपड़ा सुखा लिया, बस धूप थोड़ा सा इसी तरीके से रहे तो सारा कपड़ा सूख जाएगा, बट चिमटा नहीं है हमारे पास। अब ये देखिए हम लोग तैयार हो चुके हैं आगे का सूट के लिए। इस रूम को अब लॉक किया जा रहा है, इसके बाद फिर इसको लॉक करेंगे और फिर निकल पड़ेंगे। और इसके बाद कहाँ हम लोग जा रहे हैं ये तो आप लोगों को पता चलता ही रहेगा आने वाले ब्लॉग्स में। फिलहाल इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड और मैं आपसे मिलूंगा बहुत ही जल्द एक अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप देखते रहिए ब्लॉग बर्ड्स, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।